हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज है कितना तारीख है, मेरे को याद नहीं है, एक मिनट देख ही लेता हूँ। हाँ तो आज है 17 अगस्त, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। और यार आज हर छठ पूजा भी है, तो जो पूजा में सामान लगता है, क्या क्या लगता है, महुआ वह जो भी है, ठीक है, तो वो सब इकट्ठा करना है। और क्योंकि मैं गाँव से ही हूँ तो गाँव में सब कुछ मिल जाता है भाई साहब, खरीदना नहीं पड़ता। तो अब आज चलेंगे हम दौरे पे, मतलब खेतों के दौरे पे जाएंगे, क्योंकि खेतों के जो आसपास होता है वही मिलता है यार। अब वही बताऊंगा मैं क्या क्या है, ठीक है, तो चलो देखते हैं और निकलते हैं। एक दोस्त भी जाएगा तो फटाफट से उसको भी लेके चलते हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं खेत साइड, और खेती साइड मिलता है ये जो भी है। चलो मैं एक तो मिल गया, लोकेटेड हो गया, लेकिन काफ़ी खोजना पड़ेगा, अभी एक है दो ठो है। चलो दिखाता हूँ, ये जो दिख रहा है गाइस इसी को लेना है, ये इसका नाम कांसी है। तो ऐसे बहुत खोजना पड़ेगा, तो चलो इसको काटते हैं और आगे चलते हैं। तो एक चीज़ तो मिल चुका है, देख सकते हो हमें ये कांसी। अब चाहिए क्या, महुआ का जो मेन पेड़ का पत्ता वगैरह रहता है वो चाहिए, और एक जो छुल्ला कहते हैं वो चाहिए, और एक जरिया, जी हाँ बैर आप जानते होंगे, तो उसका छोटा वाला हिस्सा चाहिए, छोट जो नीचे रहता है। तो इन सब को कलेक्ट करते हैं, अभी थोड़ा ये और खोजना पड़ेगा। चलो अब दो चार आइटम और कलेक्ट करते हैं और चलते हैं। तो गाइस यार जो जो चाहिए रहा वो मैं लेके आ चुका हूँ, और नीचे रखा है पूजा के साथ, मतलब जहाँ पूजा होने वाला है, चौरा टाइप का बना रहता है वहाँ पास, ठीक है। तो अभी जाना है मेरे को मार्केट साइड, वहाँ भी थोड़ा काम है, फीस जमा करना है, स्कूल जाना है, और हो सके तो सिम पोर्टेशन का भी पूछना है कि कराना है मेरे को अभी रिसेंटली, थोड़ा मतलब समझ रहा हूँ ना, 10-20 रुपये में काम हो जाता है और एक महीने फ्री मिलता है, तो लाभ लेना चाहिए। अब ऐसा कंपनी का, मतलब कंपनी लाया है तो कुछ तो सोच ही के लाया होगा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बस हो गया। तो चलो अभी चलते हैं, तेल वेल भराना है बाइक में भी, और देखते हैं दोस्त भी जाएंगे शायद। गाइस यार अब मैं आ चुका हूँ मार्केट से, काफ़ी टाइम हो रहा है, अभी लगभग 5:30 या 6 बजने वाले हैं, और ऑलमोस्ट देखो सनसेट होने वाला है, दिखने रहा होगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया नज़ारा आता है यहाँ से। और मैं अभी हूँ फार्म पे, जी हाँ देख सकते हो पूरा एकदम भुट्टा लगा हुआ है पूरा यार, यहाँ से उधर तक पूरा, और उधर भी देख सकते हो, ठीक है, और इधर भी, मतलब चारों तरफ ज़्यादातर भुट्टा ही लगा हुआ है। और यहाँ नीचे बैगन, इसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, और यहाँ काफ़ी सुकून रहता है एकदम से। यहाँ जो रहता था वो अभी पता नहीं खेत साइड गया होगा शायद से, तो देखते हैं, कुछ टाइम रुकूंगा और चले जाऊंगा फिर, कोई मतलब है नहीं। और ये देख सकते हो पीछे जो है गन्ना का पेड़ है, पेड़ नहीं पौधा जो भी है, क्योंकि उसको पेड़ भी नहीं बोल सकते, पौधा भी नहीं बोल सकते ना, कुछ इस तरह से है देखो। और ये है पुल जो कि अभी बनेगा, ये अभी सिर्फ गड्ढा हुआ है, देख सकते हो पूरा काफ़ी गहरा है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा गहरा, ठीक है, तो इसमें मच्छी वच्छी पालन का जुगाड़ होगा। अभी यार ये गर्मी में ये पूरा ढलाई वगैरह होगा उसके जैसा, जो पुराना आप लोग देखे हो तो समझ जाओगे, तो उस तरह से बनेगा। और ये लगा हुआ है यहाँ भिंडी, और काफ़ी कुछ लगा हुआ है, काफ़ी कुछ मिल जाता है, काफ़ी कुछ निकल जाता है, और यहाँ आने के बाद काफ़ी बढ़िया भी लगता है, एकदम सुकून रहता है। और यहाँ बोर वगैरह सब कुछ किया गया है, और यार हर चीज़ होता है यहाँ, मतलब काफ़ी, देखो उधर पूरा सागौन लगे हैं पीछे साइड, और यहाँ आम वगैरह के पेड़ लगे हैं, पूरा लाइन से लगा था, अभी तो कुछ मर भी गए हैं, पता नहीं किस वजह से मर जाए, मरे गए हैं। इस समय यार फिर से निकल तो रहा है, देखो एक सूख गया है ये वाला, और बाकी सब ठीक है, एक आठ तो अब उतना सारा लगेगा तो एक आठ तो जाएगा ही। और यहाँ देख सकते हो
ये पता नहीं ये भी, हाँ बरबट्टी है भाई साहब, एक मिनट। और यहाँ से देखो जब तक ये बनेगा नहीं ना पूरा, धीरे धीरे उसी में सिंक हो रहा है, तो ये भी काम है तो इसको भी बन जाएगा धीरे धीरे। ये पूरा वो है क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, हाँ बरबट्टी है। तो काफ़ी कुछ लगा है देखो, और बाकी तो आप सनसेट को, सनसेट होते हुए देखो, यहाँ से थोड़ा मस्त व्यू आ जा रहा है देखो। ट्राईपोड वगैरह रखा नहीं हो, गोरिल्ला पोड भी नहीं है इस समय, नहीं तो मस्त टाइम लैप्स लगा देता और दिखाता आपको। अभी चलो चलते हैं, वहाँ काम है थोड़ा सा, उसको निपटाते हैं और यहाँ से निकल लूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो रहा है और रास्ता में भी देखना पड़ता है यार। और इस समय थोड़ा ब्लॉग जो है, डेली ब्लॉग मतलब जो रेगुलर कर रहा हूँ उसे दिखा रहा हूँ, घूमने वगैरह वाला कम आ रहा है, ताकि इसलिए यार ये हो रहा है क्योंकि जो अभी सीज़न ना बरसात का सीज़न चल रहा है। चलो आपको बैठ के बताता हूँ। हाँ तो ये बोल रहा था कि अभी सीज़न बरसात का चल रहा है, काफ़ी जगह जो है पानियों की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और हम पिछली बार गए थे तो देखे ही थे आप, गिरते गिरते बचे, ऑलमोस्ट यार लुढ़क ही गए थे। और इसलिए थोड़ा सा ये जो बरसात का सीज़न है ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए, इसके बाद जो है अपन चलेंगे टूर पे। वैसे तो काफ़ी टूर्स बनेंगे और काफ़ी ज़्यादातर टूर्स मेरे शेड्यूल से आएगा, क्योंकि हो सके तो वहीं रहूँगा रूम लेके, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हूँ मैं तो रहना भी पड़ेगा वहाँ पास, ठीक है। तो बस अब थोड़ा 360 व्यू एंजॉय करो, और ठीक है यार देख ही लो और क्या ही, ठीक है। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, अभी जाना है मेरे को घर, अभी काफ़ी टाइम हो रखा है। तो बस फिलहाल इस ब्लॉग को इतने रखते हैं, मैं देख ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।